व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हैं उन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। तो इसी विचार के साथ मैं शिवांश शोगडेरी प्रस्तुत हूँ इस प्रार्थना सभा में कृष्ण सागर की तरफ से। हमें अपने हर अच्छे कार्य की शुरुआत प्रभु की आराधना के साथ करनी चाहिए, तो आइए अपने दिन की शुरुआत प्रभु की आराधना के साथ करते हैं। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोगी अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। आसपास कौन सी घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश विदेश में का क्या समाचार है, उन सभी समाचारों के लिए आइए चलते हैं रेडियन के संवाददाता की ओर। तो प्रस्तुत है रेडियन के संवाददाता देश विदेश की खबरों के साथ।
सुप्रभात दोस्तों, मैं मीनाक्षी पांडे कक्षा 10वां के छात्रा कृष्णा सदन की ओर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय समाचार के साथ। शिवराज सिंह चौहान बोले, होशंगाबाद में भारी बारिश की संभावना, SDRF और NDRF की टीमें सक्रिय। जी और नेट परीक्षाओं में कोताही, राज्यों को पड़ेगी भारी, केंद्र ने व्यवस्थाओं को लेकर फिर किया आगाह। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को मिलेगी 1,00,000 इनाम राशि, SP के सामने किया समर्पण। रिया चक्रवर्ती को घर से गेस्ट हाउस जाते वक्त सुरक्षा देगी मुंबई पुलिस। बारिश से हालात बिगड़े, मकान गिरने से महिला समेत 2 बच्चों की मौत, 6 घायल। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि। लगातार 3rd दिन 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 34,00,000 के पार। PM की तैयारी शुरू, अब लोकसभा विधानसभा सहित हर चुनाव के लिए होगी 1 वोटर लिस्ट। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बात, मैं रुशदा मरियम आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। इंडोनेशिया में वायरस का म्यूटेड वर्जन सामने आया, 24 घंटे में 2838 मामले आए। UAE ने 48 साल बाद इसराइल के बायकॉट वाला कानून खत्म किया, अब दोनों देशों में होगा व्यापार। अमेरिकी NSA ने कहा, सितम्बर और अक्टूबर में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीति बनाएंगे। चीन का बर्ताव बेहद आक्रामक। चीन के शांगजी प्रांत में पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट ढहा, 29 लोगों की मौत, 35 लोग घायल, कई और लोग बहुत गंभीर हालत में। संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ हुई, दुनिया में 8,00,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इवांका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी की कमान संभाल सकते हैं अर्जुन राणातुंगा। पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 125 लोगों की मौत। तिब्बत का स्वरूप बदल, उसे समाजवादी बनाना चाहता है चीन, राष्ट्रपति चिनफिंग ने जताया इरादा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं सौम्या प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष आज के सुविचार के साथ। और आज का सुविचार है, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन से मिली सीख। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं दिव्या मिश्रा कृष्णा सदन से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक कविता के साथ। इस कविता का शीर्षक है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया,
व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमें आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगे गूंजने दसों दिशाओं वीरों के असगान से। लगे गूंजने दसों दिशाओं वीरों के असगान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिले आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान।
राष्ट्र का उसकी संस्कृति तथा उसके परंपराओं का प्रतीक होता है। तो आइए हम अपने भारत का राष्ट्रगान गाते हुए उन संस्कृतियों तथा परंपराओं को याद करते हैं।